राधे राधे आदरणीय गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि पढ़ा महाराज जी मेरा मन काफी अशांत रहता है चित्त स्थिर नहीं रहता किसी अनिष्ट की आशंका रहती है महाराज जी इसका क्या उपाय अगर सत्संग सुनाओ कभी तो हमने कई बार कहा है बिना भगवान के भजन के चिंता शोक भय उद्यमग्नता घबराहट ये जाने वाली नहीं भजन नहीं करोगे तो कर्म बनेंगे हम हो या आप हों एक कर्म एक भी मिनट कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता एक भी मिनट और अगर हमारा भजन और भगवान अध्यात्म से चित्त नहीं जुड़ा तो शरीर से जुड़ा है और शरीर से जुड़ा है तो वासना से जुड़ा है वासना से जुड़ा है तो पाप कर्म होगा पाप कर्म होगा तो ये पक्का यही चलेगा चिंता भय शोक उद्विग्नता ये अंदर आएगा आगे चलकर ये डिप्रेशन रूप रख लेता है तो अगर हम नाम जप करें भगवान का आश्रय ले लें सत्संग सुने गंदे आचरणों पर रोक लगा दें तो अभी ठीक हो जाए लेकिन अपने लोग गंदे आचरण भरपूर करते हैं और सोचते हैं कोई जंतुर बांध दे कोई छूछा कर दे हमें ठीक कर दे विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ विश्व में कोई पैदा नहीं सब नौटंकी नाटक कुछ नहीं को न काहू के दुख सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता कोई दुख सुख देने वाला नहीं आपका कर्म ही दुख सुख देने वाला है तो अभी बच्चा संभालो तो अपने को संभाल सकते हो नाम भगवान का जब करो राधा 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 और जो गंदी बात है वो आप जानते हैं वो मत कीजिए देखो ये कोई अगर कहे कि हम पाप कर्म को जानते नहीं थे हमसे हो गया तो मुझे लगता है कि ये झूठ बात है आपके हृदय में भगवान बैठे हुए बता देते हैं कि गलत है डर तभी लगता है जब गलत होता है भय चिंता अनिष्ट की आशंका तभी होती जब पाप बन जाता है आपसे पाप बन गया है स्पष्ट है आप अपने रजिस्टर को खुद जांचिए न्यायाधीश बनकर के तो आप देखेंगे कि अगर इन पापों का मुझे दंड मिलता तो कितना भयानक होता और वो पाप गुप्त हैं तो गुप्त नहीं रहेंगे वो आपको ही जलाएंगे वो आपको क्लियर यह केवल आपका प्रश्न नहीं है यह लाखों का प्रश्न है यह आपका केवल प्रश्न नहीं है ये लाखों मनुष्यों का प्रश्न है सबके हृदय में चिंता भय की आशंका शोक आगे की चिंता व्यर्थ चिंतन ये सब बना रहता है इसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है बहुत प्रसन्नता हो जाएगी हम ये कह रहे हैं अगर चित्त भगवान में जुड़ा है कोई भय नहीं कोई दुख नहीं कोई शंका नहीं और चित्त भगवान से नहीं जुड़ा है तो करोड़ों रुपया जमा कर लो सब व्यवस्था कर लो फिर भी चिंता भय शोक इससे मुक्त नहीं हो सकती क्योंकि मृत्यु आने वाली सबसे भयावह दृश्य जो है कि जो कुछ हमने समेटा इतनी मेहनत से कमाया घर मकान दुकान पुत्र पति सब परिवार सब वो एक मिनट में छुटा देगी मृत्यु और आपको अकेला जाना है वो भय कैसे मिटेगा और छोटे मोटे भय तो है ही और भय और अनिष्ट जब मेरे इतने बड़े स्वामी प्रभु हैं तो अनिष्ट कौन ऐसा पैदा हो गया जो अनिष्ट कर सकता है अगर मेरे प्रभु का विधान तो होके रहेगा तो चिंतन ठीक हो जाएगा यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप करोगे पर यह जरूर है कि पाप कर्म करोगे तो हमारी बात पर चल नहीं सकते आप हमारी बात को समझ नहीं सकते आप और अगर सही ढंग से चलोगे तो बिल्कुल मस्ती छा जाएगी इतने बड़े प्रीतम भगवान हैं हमारे हमारा कौन अनिष्ट कर सकता है हम क्यों चिंता करें जब इतने बड़े स्वामी हमारे हैं तो हम चिंता क्यों करें तो आपका भगवान से यदि संबंध भाव बन जाए कि हमारे प्रीतम तो अनिष्ट की चिंता क्यों कौन अनिष्ट अनिष्ट कर सकता है कौन अनिष्ट कर सकता है जब हमारे भगवान है पर चिंतन खाली और पूर्व का पाप वो प्रेरित करके क्लेश देता रहता है इसलिए नाम कीर्तन करो नाम जप करो सत्संग सुनो और प्रसन्न रहना सीखो और वो प्रसन्न रह जा सकता है जब बड़े का भरोसा हो अपना कोई बड़ा हो खूब धनी मानी बलवान सब कुछ जानने वाला तो एक भरोसा हो जाता है ना और भगवान कह रहे हैं अनन्याचिंतों तो माँ मे जना परिपाशते ते साम निभियुक्ता नाम योगक्षेम भाम्यम तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो भजन करो योगक्षेम का वाहन मैं करूँगा देख लूँगा और वो सर्वज्ञ हैं सर्वत्र हैं सर्वशक्तिमान हैं हमें भरोसा नहीं होता और एक मरण धर्म आदमी कह दे कोई पदाधिकारी हो तो हम आज से भरोसे में हो जाएंगे और भगवान तो हमारे पास ही हैं क्योंकि सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं और सर्वशक्तिमान है तो कोई दुर्लभ बात नहीं है और मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं तो हमारा संबंध बनता है भगवान से मांगना तो इसलिए भगवान से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलने वाली ये आजकल जो बहुत नोटंकी नाटक माया के चल रहे हैं न राम न कृष्ण न हरि न भजन न साधन न कोई मतलब और अगर सही ढंग से जब हम कह रहे हैं तुम्हारे पापों का परिणाम ही तुम्हें क्लेश देगा तुम नाम जब करो भगवत चिंतन करो पापों को भस्म कर दो भगवान का भरोसा करो अभी आनंद आ जाएगा इन बातों पर विश्वास कम होता है होता है बहुत पवित्र हृदय को होता है मांगते हैं तुरंत कैंसिल कर दो पहले बाहर से मन बना के आते हैं फिर कहते श्री जी रिक्वेस्ट कैंसिल यही यही प्रेम है जो मांग है वो देह भाव से है और जो कैंसिल करने की बात है ये प्रेम का है मतलब दोनों चीज चल रही है अभी अंदर देह भाव भी है और कहीं ना कहीं प्रियाजू से अपनापन है कि प्रियाजू हम जो मांग रहे हैं हमारी मांग है पर प्रियाजू आप इसे पूरी ना करना क्योंकि कहीं पूरी हो जाए हम आपसे दूर हो जाए तो ठीक नहीं है हमें वो कष्ट वो दुख बहुत अच्छा है जो आपसे जोड़े रहे वो सुख वो संपत्ति बहुत बुरी है जो आपसे अलग कर दे बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा हृदय है और ऐसा ही भाव धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और फिर कोई भी मांग नहीं रखनी चाहिए क्या मांग रखनी जैसे अपनी माँ को पता है कि बालक को कब बाल भोग पवाना है कब सर, हमें राज राजभोग पवाना है कब शयन करवाना है ऐसे मेरी श्री जी को पता है कि मुझे कब क्या देना सब व्यवस्थाएं भगवान कर रहे हैं तो हमें मांगने की जरूरत हमें एक बार भी श्री जी से नहीं कहा तुम्हारी गरज हो तो करो हम क्या हम तो तुम्हारे लिए है अगर भाई हमें तड़पाओगी तो राधा राधा बोलेंगे और दवाई दोगी तो राधा राधा बोलेंगे अब तो राधा के सिवा हमारा जीवन कुछ है नहीं अब तुम देखो कैसे महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो भूखे रखो चाहे जैसे आप छके रखो आपका विषय है तो हमें लगता है कि वास्तविक बात तो यह है कि मांगने की जरूरत है नहीं और अगर मांगना ही हमें आ, तो फिर प्रभु से ही मांगे दूसरे से ना मांगे बने तो रघुबरते भले बिगड़े तो भरपूर तुलसी और रनते भले ताबल पे धूल बहुत बढ़िया श्री जी व्यवस्था करती है उनकी व्यवस्था लोक परलोक सब संभाल देते हैं सब संभाल देते हैं रश्मि दुबे जी दिल्ली से

और जब सब कुछ समर्पित हो जाता है तो फिर वहाँ कुछ सवाल ही नहीं उठता है वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है न सोचती न कांक्ष जो समर्पित हो गया वहाँ तो न कोई सोच रह जाती न कोई चाह रह जाती आपकी अभी चाह भी है सोच भी है अभी समर्पित नहीं है आप इसलिए बार बार हर कर्म समर्पित करते रहो अपने आप को समर्पित करते रहो अपनी वाणी को समर्पित करते रहो अपने हृदय को अपनी क्रियाओं को सबको समर्पित करते रहो जब एक दिन समर्पण हो जाएगा तो शकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन अब कुछ अपना बचा ही नहीं तो समर्पण क्या करें समझ रहे हैं ना ये अभी स्थिति नहीं है आपकी इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने कर्मों को समर्पित कीजिए और बार बार समर्पित कीजिए भगवत समर्पण की वृत्ति जब स्वयं समर्पित हो जाता है तब जागृत होती है अभी स्वयं में आप एक स्त्री हैं स्वयं में आप अभी एक चाहत हैं अभी कई आपके अंदर कामनाएं हैं कई प्रश्न है कई समस्याएं तो समर्पण किसको किया है आप हमारी बात समझ रहे तन आपका है मन आपका है चेष्टाएं आपकी तो समर्पण क्या है केवल दिमाग और वाणी से हम कह रहे हैं कि हम भगवान को समर्पित हैं तो क्या बार बार समर्पित करें यही बता रहा है कि समर्पित नहीं है नहीं समर्पित हुई गोपिकाएं समर्पित हुए प्रेमी जन बार बार अपने को समर्पित करते रहते हैं जब तक अहम शेष रहता है तब तक समर्पण की प्रक्रिया चलती रहती है और जब विस्मरण ही हो गया अहम का ही एक रहे नंदलाल अपनी शुद्ध ना रही एक रहे नंदलाल फिर क्या समर्पण रहेगा ये समर्पण की पूर्णता हो जाती है तो जब तक ऐसी पूर्णता नहीं है तब तक हमको शास्त्राज्ञा संताज्ञा मानकर बार बार हर क्रिया हर चेष्टा हर भाव प्रभु को समर्पित करते रहना इससे हमारे हृदय में अहम का नाश होकर भगवान की विशुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी समझ पा रहे आप महाराज जी अगर दिन में कोई ऐसी क्रिया हो हो जाए जाए जैसे किसी की निंदा हो जाए। तो भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए हृदय में ताप पैदा होना चाहिए आगे से ना करने का नियम लेना चाहिए वो समर्पित नहीं की जाती उसे पश्चाताप करके भस्म किया जाता है प्रभु मेरे से गलती हो गई अंदर से दाह होना चाहिए ऐसा कैसे हो गया किसी की निंदा मैंने क्यों कर दी कोई मैं बहुत अच्छी हूँ क्या जो दूसरे की निंदा करती हूँ हमारे अंदर खुद इतने दोष हैं पहला दोष पर दोष दर्शन अगर परदोष दर्शन न होता तो मैं निंदा कैसे करती हे भगवान मुझे सद्गुण सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे मैं आपकी योग्य बन सकूं मैं किसी की निंदा न कर पाऊं हर जगह आपको देख पाऊँ समझ पा रहे ना हाँ तो हम अंदर से जले अंदर से ताप पैदा करें उसे प्रायश्चित कहते हैं ये प्रायश्चित करेंगे तो हम उसको समर्पित नहीं करना नहीं भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म अनंत गुना बढ़कर फल देता है तो इसलिए हमें भगवान को हम अपवित्र वस्तु अपवित्र क्रियाएं थोड़ी भोग लगाते हैं ऐसे हम गंदे कार्य अगर हो जाए तो भगवान के सामने प्रश्न करें क्षमा याचना करें और जो अच्छे हो जाए भगवान को समर्पित करते चले और कोई क्रिया हमें पता ही ना चले कोई गलत हो गई दिन में हम। तो वो भगवान को समर्पित कर दो वो सब ठीक हो जाएगा कैसे खाना बनाया तो प्रभु को बोले कि हमने जो समय दिया भोजन बनाने में आपको समर्पित नहीं वो तो थाल में लेकर उनको भोग लगाओ जाके हाँ तो इसके तो उसमें गया हाँ, बच्चे को हाँ, पढ़ा रहे हैं बिल्कुल 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 तो हर बार, बार बोलना है कि भगवान आप ये अंदर की बात है हमारी बार बार वृत्ति जुड़ेगी ना प्रभु से प्रभु आठ से नौ बजे तक जो हमारा समय गया पता नहीं इसमें कितनी बार आपको स्मरण किया या विस्मरण हुआ ना तो एक घंटे का समय आपकी सेवा तो भूल जाते हैं तो इकट्ठे समय कर दो पांच घंटे बाद जब याद आवे तब समर्पित कर दो वो तो पूरा समय है फिर शयन करने जाओ तब पूरा समर्पित कर हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहे हमारी वृत्ति समर्पण की बनी रहे और जब समर्पित हो जाएगा तो फिर ये सब नहीं होता फिर तो उसका रोम रोम भगवत में हो जाता है जब तन मन सब समर्पित हो जाता है ना तो निर्भय निश्चिंत निशोक विपरीत भावना का त्याग संशय रहित वो भगवद आनंद में मगन रहता अभी वो स्थिति नहीं है इसलिए हमें बार बार वो प्रक्रिया करनी है भारती शर्मा जी मुजफ्फरनगर से राधे राधे श्री हरिवंश राधे राधे आदे महाराज जी मारे जी मैंने सुना है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान में मन ध्यान लगे सब पर भगवान की कृपा होती है कोई ऐसा नहीं जगत में जिस पर भगवान की कृपा न हो भगवान ने कहा समम प्रिय समम उपजाये भगवान ने कहा सब पर मोरी बराबर दाया अब भजन न करो गंदी बातें बोलो गंदी चिंतन करो गंदा दृश्य देखो गंदी क्रियाएं करो बोलो हम पे भगवान की कृपा नहीं तो मानो दुर्गति को भोगो जाके तुम्हें तो बाणी का पावर दिया अब इससे गाली भी दे सकती हो इससे राधा राधा भी बोल सकती हो इससे मीठा भी बोल सकती हो तो इससे कड़ुआ भी बोल सकते हो तुम्हें हाथ दिए इससे अच्छा भी कर सकते हो बुरा भी कर सकते हो तो तुम्हें नेत्र दिए अच्छा भी देख सकते हो बुरा भी देख सकते हो तो बुरा देखो और कह दो अच्छा देखने वालों के ऊपर भगवान की कृपा जो अच्छा देखते हैं लेकिन हमारे ऊपर कृपा नहीं इसलिए हम बुरा देखते हैं ये तो मूर्खता हुई हमें तो लगता है बच्चा आपको बाणी दी आप राधा राधा बोल सकते हो आप अच्छा बोल सकती हो तो आप बुरा क्यों बोलो अगर बुरा बोलती है तो आपकी मूर्खता है ना आप बुरा का कार्य करती हैं जानते हुए भी तो आपकी मूर्खता है ना भगवान ने दिया आप अच्छे कार्य करो तो आपको महसूस होगा हमारे ऊपर भगवान की कृपा सब पर भगवान की दया सब पर मोरी बराबर दया पिता का प्रेम सबके प्रति होता है अभी एक शराब में पैसा खो दे तो वो कह दे हमारे ऊपर पिता की कृपा पिता ने तो सबको पावर दिया लेकिन उसका प्रयोग कहाँ तुम करते हो भगवान की तो सबके ऊपर कृपा है जो ये मान करके अच्छे आचरण करता है भजन करता है वो अच्छा आदमी बन जाता है उसको लगता है भगवान की कृपा है अब जब बुरे आचरणों में जाओगे तो भगवान की कृपा का महसूस ही नहीं होगा आपको पापवंत कर शैच्छ भाऊ वो मानेगा ही नहीं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है काले कर्म ही मिथ्या दोष लगाए सब भजन कर सकते हैं सब अच्छे आचरण वाले बन सकते हैं पर आप बनिए तो अब गलत दृश्य देखेंगे गलत बातें बोलेंगे गलत क्रियाएं करेंगी हृदय में गंदी बात रहेगी तो कैसे सत भावना आएगी कैसे भगवान की कृपा की बात तुम सोच पाओगे तो इसीलिए फिर कहते हैं भाई हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं नहीं हम भी भजन करते तो कह रहे हैं ही कर्म ही ईश्वरें मिथ्या दोष लगाए काल को कर्म को ईश्वर को मिथ्या दोष लगाकर लोग अपने को नरकगामी बना लेते हैं भगवान नहीं चाहते कि आप नरक जाओ भगवान नहीं चाहते आप गलत करो आप खुद अपनी चाहत में फंस गलत कर देते हैं समझ में आ रही है हमारी बात हाँ तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं जैसे माता पिता का हर पुत्र पर प्यार होता है अब पुत्र ही आचरण गलत करे तो फिर बात अलग है उनके प्यार में को कमी नहीं देखो क्या भगवान के प्यार में कमी हमें कितना सुंदर बनाया है कितना सुंदर संसार दिया है हम यहाँ अच्छे अच्छे कार्य करके आनंदित हो सकते हैं और बुरे बुरे कार्य करके जेल जा सकते हैं नरक जा सकते हैं दुर्गति को प्राप्त हो सकते हैं अब इसमें भगवान के क्या बाजार है क्या खरीदना चाहते हो आप खरीदो बुरी चीजें खरीदना चाहते हो कि अच्छी चीजें खरीदना चाहते हो अब बाजार तो मालिक की है वो तो पूरी होगी हर चीज वहां होगी लेकिन आप खरीदना क्या चाहते हैं तो ये बात गौरव जी राधे राधे गुरु जी महाराज जी। जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि कोटी पढ़ाओ जी यदि हमें भगवान है वो भगवान से हम तो फिर हमें अपने ही कार्यों पर संदेह क्यों होता है वो हम इस संदेह को दूर क्योंकि तुम ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहे ना दूध में घी है पर एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से निकालोगे क्यों भला पूड़ी पका के दिखाओ सीधे दूध में नहीं पकेगी और उसी में घी है पाँच लीटर दूध है उसको पहले दही उबालो दही जमाओ मंथन करो मक्खन निकले फिर उसको उबालो तो आप फिर देखो घी निकल आएगा उसी में घी है आपने परमात्मा है लेकिन साधना नहीं है ना इसीलिए संशय जिसको ज्ञान ना हो उसे कहा जाए ये दूध है इसमें घी है तो कैसे मानेगा कि यार इसमें घी कहाँ है नहीं है लेकिन प्रक्रिया के द्वारा उसी से घी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा अब जैसे ये मेहंदी है आप मेहंदी को एक एक रेसा रेसा चीर डालो कहीं लालिमा मिले तो बताना कह दो यार मतलब मेहंदी में लालिमा तो होती लेकिन इसमें है नहीं प्रक्रिया है आप उसको बांटो बांट के हाथ में रखो और 40 मिनट बाद धो दो देखो हाथ में लालिमा आ जाएगी आ जाएगी ले आ जाए तो ऐसे परमात्मा आप में है लेकिन साधना करो साधना रूपी प्रक्रिया नहीं तो आपको परमात्मा अनुभव में ले जा रहा है वो है यही संशय इसीलिए हो रहा है क्योंकि साधना नहीं साधना हो जाए तो संशय खत्म हो जाए यही अनुभव हो जाता है छाती के अंदर ही है बैठे हैं भगवान हाँ अपने हृदय में सबसे पहले भगवत साक्षात्कार हृदय में होता है पहले हृदय में होता है फिर बाहर होता है ध्यान रख ला पहले हृदयस्थ भगवान फिर बाहर भगवान आते हैं तो ये बात सोच रहे हैं हमारी साधना बने तब बात नहीं आए हम भगवान का नाम जप करें भगवान की लीला कथा गाएं, संयम से रहें गंदे पापाचरण ना करें धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा संशय नहीं रह जाएगा समझ में आ जाएगा कि भगवान है और अभी तो बहुत दूरी है क्योंकि हम शरीर अभिमान में हैं भोगों में हैं संसार प्रिय लग रहा है भोग अच्छे लग रहे हैं तो भगवान कैसे समझ में आएगा वो तो अंदर विराजमान है देखो प्रधानमंत्री हैं आप मिलना चाहो मिल सकते हो लेकिन ऐसे नहीं मिल सकते कि हमारी तुम्हारी मिल सकते हैं एक वहां एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से पास हो है। और ये अधिकार साबित हो जाए कि आप मिलने योग्य हैं तो भारतीय है आप मिल सकते हैं जब एक प्रधानमंत्री मनुष्य है उनसे मिलने के लिए हमें योग्यता और प्रक्रिया की जरूरत है नहीं महीनों लग जाएंगे अभी थोड़ी मिल जाओगे कि जाए अनंत ब्रह्मांडों का मालिक जो है अब आपको सोचो जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है उससे आप अभी मिल सकते हैं अभी पर मिलने की परम व्याकुलता चाह पैदा हो जाए भाई यही हमारे भगवान को चाहिए रुदु शुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा हे श्री कृष्ण आपके बिना आप जिया नहीं जाए अभी यहीं प्रकट हो जाए सबके बीच में आपको दर्शन देंगे किसी को दिखाई नहीं देंगे रुदु शुष्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो हमारे अंदर भजन हो साधन हो भगवान की भक्ति हो तब तो हमारे अंदर रोना आए भगवान के लिए प्रबल रोना आ जाए तो अभी भगवान प्रकट हो जाए भाई योग्यता तो आपको दिखानी पड़ेगी वो दैवी शक्तियां जब कोई भगवान से मिलने के लिए चलता है ना तो उसकी परीक्षा होती है कि आप भगवान से मिलना चाहते हो कि नहीं कैसे लो रुपया राजी हो जाओ राजी हो गए तो लाखों उसी में राजी हो गए भूल गए कि भगवान से मिलने के लिए चले थे उसे कंचन कहते फिर सुंदर सुंदर भोग भोगो सुविधा है सब फ्री भोगने में लग गए तो भूल गए अब जो दैवी शक्ति तुम्हें तो ले जाना चाहती थी वो काट दिया नहीं ये भगवान से मिलने लायक नहीं फिर तीसरी मान सम्मान बड़ाई अरे आप तो भगवान हो आप तो सरकार हो आप तो जय हो अगर इसमें राजी तो काट दिया कनेक्शन नहीं नहीं ये मिलने वाला जब उतने पे भी रोना शुरू है हे प्रभु हे करुणा निधान तो साकरी गली है भगवान से मिलने की साकरी गली है प्रेम गली साकरी तामे दो ला वो वह वहां से क्रॉस करवा दिया आगे भगवान मिल गया तो खूब नाम जप करो भगवान का चिंतन करो पहले ये इतनी योग्यता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए हम तो एक साधारण उदाहरण देते हैं जब एक बालक रोने लगता है खिलौने से ना खेल के तो माँ का ध्यान उधर खिंचता है फिर वो अपनी बेटी को भेजेगी या किसी को भेजेगी जाओ जाओ गोद में ले लो अगर वो उतने पे भी रोना बंद ना किया तो कहीं नहीं मानेगी मुझे ही लेना पड़ेगा तब वो जाके गोद उठाती है खिलौना या किसी के भेजने पर उसका रोना बंद नहीं होना चाहिए ऐसे हमारे पास भी खिलौने भेजे जाते हैं माया के खेल लो वे खेल लो या रिद्धियाँ सिद्धियाँ ले लो रिद्धियाँ सिद्धियाँ गोद में उठा लो ना रिद्धियाँ सिद्धियाँ ना कोई खिलौना भोग सामग्री और जिसका रोना चलता रहा फिर भगवान मिल जाते हैं बिना हसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा भजन न होगा भगवान से प्यार नहीं होगा तो यही भगवान है हम नहीं जान पाएंगे कि भगवान है, उसकी प्रक्रिया साधना करें तो भगवान हमारे हृदय में ही अनुभव में आ जाएंगे कि भगवान है ठीक है ना शशि तुषार शर्मा जी दिल्ली से राधे 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 महाराज जी महाराज जी, जी मैं आज तक मैं एंकर हूं गुरुदेव आपकी खबरों को कई न्यूज चैनल है महाराज जी गुरुदेव आपकी खबरों को कई बार पढ़ा है बहुत अच्छा महसूस होता है महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि इस दुनिया में हमारी क्या खबर हो सकती है नहीं <laughs> तो तो हम कह रहे हमारी खबर क्या हो सकती तो है महाराज जी आप लोग के जो वचन है अच्छा ये आपके जो वचन है आ? वो मत, एक छोटे से कमरे से निकलकर पूरे भारत में भारत के बाहर जैसे फैले हैं जी मतलब ये बताने में भी हमको चीजें का ये शरीर इतना भजनानंदी नहीं है शिक्षक है लेकिन जितना भी बच्चों को बता पाते हैं, जो भी बता पाते हैं, वो आप ही के आशीर्वाद से जो भी निकलता है उसकी प्रेरणा ऐसा लगता है कि प्रभु जी आपसे ही मिल रही है। तो इस ते तो से फिर रहे हैं आप जैसे आपने बताया कि आपका एक बाहर निकलना बंद हो गया था परिक्रमा उस समय के लिए फिर आप जैसे बताते हैं कि, कि हमको अपना मुराल डाउन नहीं करना कैसे हमको बहुत जिजी दिखानी है कैसे हिम्मत दिखा के आगे बढ़ना है जितने हमारे प्लेयर्स हैं यंगस्टर्स हैं तो बहुत पॉजिटिव न्यूज जाती है हिम्मत आती है कई सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने सुइसाइड करने का जो ख्याल था आ, वो त्याग दिया तो मतलब बहुत खुशी होती है जिनका प्रश्न है कि इस दुनिया से कैसे तर जाए कोशिश बहुत रहती है लेकिन आसपास का माहौल प्रभावित करता है बहुत नहीं इसमें तरना क्या है हमको बस यह समझना यहाँ कोई समुद्र थोड़ी दिखाई दे रहा है आप लोग जैसे कहते हैं दुनिया एक भव समुद्र है और हमें भव समुद्र से पार होना है तो आप कहीं बूंद पानी देखते हैं क्या कि इससे ये भव समुद्र इससे पार होना है पार होना है हमारे अंदर जो ये भाव बैठ गया कि मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ अब देखो हम तुम्हें भाव समुद्र दिखा रहे हैं इस शरीर में ममता होने से अहमता होने से अब हमको इस शरीर की आवश्यकताएं हो गई देखना सुनना भोगना चखना अब वो इतनी बढ़ गई कि जो सीमाएं थी उन सीमाओं का उल्लंघन करके हम अमर्यादित भोग भोगने लगे अब ये समुद्र है ब्रह्म समुद्र जिसे कहते हैं भाव समुद्र मतलब तो समझो ब्रह्म समुद्र अब हमारी इतनी गंदी बातें मन में छा गई कि जो नहीं करना चाहिए वो हम करना शुरू कर दिए देखो इस संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा है भगवान या भगवान के दिव्य पुरुषों के सिवा जिसको माया मतलब भ्रम ने गलत ना करवा दिया हो भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीवन माया लपटानी जैसे आकाश से निर्मल जल गिरता है पृथ्वी में आते ही गंदा हो जाता है ऐसे ही माँ के गर्भ से निकलते ही एक भ्रम हमारे अंदर माया लिपट गई माया भ्रम लिपट गया अब हम फिर इस शरीर को मैं मानकर गलत करते हैं अगर हम गलत ना करें तो उचित भोग भोगते हुए हम अपने आप भगवत प्राप्त हो जाएं जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है उसको उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता ऐसे ही धर्म पूर्वक चलने वाला भगवान का नाम जप करने वाला दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं राजकीय विभाग से अधिकार हो जाता है अब हम लोगों ने क्या किया गलती कर दी जि ही जवानी हमारी यौवन अवस्था जागृत होने के अब हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं जो भगवान ने मर्यादा बनाई है उसका सब उल्लंघन अब भव समुद्र में फंस गए भव माने ब्रह्म समुद्र में भ्रम इतना भ्रम फैल गया कि हम नशा में सुख मानने लगे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि पर कितना राक्षसी भाव आ गया जैसे मुझे अपना शरीर प्रिय है या ऐसे काट के देखो लगता है ऐसे वो एक माता बहन का शरीर है और हम उसके प्रति कैसी भावना रखते कैसे कैसे राक्षस लोग वो तो आप समाचारों में सुनते हैं दूसरा हमें अपना शरीर जितना पिए पशु पक्षियों को भी उतना शरीर पिए आप उन पशु पक्षियों के साथ अत्याचार करके उनको मारकर उबाल कर खा अब ये बहु समुद्र आ गया अब डूबोगे अब मरोगे तुमको वैसे ही भोगना पड़ेगा नहीं तो हम आपको सच्ची कहते हैं कोई बहु समुद्र नहीं है आप सही आचरण से चलो तो आपको तरने की चिंता नहीं होगी आप जीते जी तर जाओगे बस इतनी बात समझ लो कि जो आ, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान समाचरित आपके साथ जो व्यवहार किया जाए आपको पसंद ना वो व्यवहार आप किसी के साथ मत करो सीधी बात आत्मना प्रतिकूलानी परेशान समाचरित और जिसे आप जानते हैं ये पाप है गलत है उसे आप मत करो आप देखो अभी नाम जब करते बहुत आराम से बहुत समुद्र पार हो जाओगे गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहू विचार सुजन मन माही नाम लेते भव समुद्र सूख गया है ही नहीं कुछ पारे नहीं होना राधा 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 और जैसे अपनी बहन ऐसे पराई बहन की तरफ भाव रखो जैसे अपना शरीर प्रिय ऐसे दूसरों के शरीर का प्रीता का भाव रखो हमें कोई गाली दे हमें पसंद नहीं तो हम किसी को गाली नहीं देंगे हमारा कोई चोरी छल कपट करे पसंद नहीं तो हम दूसरे के साथ चोरी छल कपट नहीं करेंगे अभी आप भाव समुद्र से तरे हुए हो पर नाम न छूटे हमारी बात इतनी पकड़ लो कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा अब इसमें यज्ञ ध्यान धारणा समाधि आप सच्ची मानना सामर्थ्य नहीं रह गई अगर हम यज्ञ भी करना चाहें तो हमारे पास सामग्री नहीं है कहाँ से शुद्ध घी गाय का मिले विचार कर हविष्यान की इतनी खाद पड़ रही इतने केमिकल पड़ रहे हैं कि यज्ञ लायक है ही नहीं हो हविष्यान भी नहीं रह गया तो यज्ञ क्या करें आप सोचो यज्ञ में कितने ट्रकों घी की आवश्यकता होती कहाँ शुद्ध घी मिलेगा बड़ी विचित्रता है कहाँ वो पदार्थ मिलेंगे अच्छा कहाँ ऐसे विद्वान मंत्रवेदता मंत्र सिद्ध मिलेंगे कि जो स्वाहा बोले वो देवता के पास पहुंच जाए तो इसलिए कृतयुगे ध्यायते विष्णु तेतायाम यजते परिचर्यायाम कलो जो सतयुग में था ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में पूजा के द्वारा और कलयुग में केवल नाम नाम इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है आप नाम जब कीजिए ना रुपये की जरूरत है न पवित्रता की जरूरत है पवित्र तो या यह स्मृत पुंडरी का सुखी वाह और अभ्यंतर दोनों पवित्र हो जाओगे और लोक परलोक में सब सुख मिलने लगेगा यह ध्यान रखना राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर और जो चाहा और जो लोक में भी आपका मंगल होगा परलोक में भी मंगल होगा तो इस संसार से में, संसार से में में रहते हुए हुए भोग उचित भोगते धर्मयुक्त नाम जप करने वाले को सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर सहज में पुत्र का अधिकार हो जाता है जी। मुकुल जी मुंबई से राधे राधे महाराज जी राधे राधे महाराज जी महाराज जी मैं आपका एकांतिक वार्तालाप लगभग एक वर्ष से निरंतर सुन रहा हूँ महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि सेवा में निस्वार्थ भाव कैसे उत्पन्न होगा और जैसे आप कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल वो स्थिति कैसे प्राप्त होगी ये अहम गलित होता है तब ये बात आती नहीं तो अहम को जो हमने किया वो अच्छा जो किया वो हजारों लोगों में प्रकाशित होना चाहिए ये अहम की वृत्ति होती है कि जो मैंने अच्छा बुरा नहीं प्रकाशित होना चाहिए अच्छा प्रकाशित हो जो हमने दान किया पुण्य किया सेवा किया वो हजारों लोग जाने ये जो जनाने की प्रक्रिया है वो अहंकार में होती है समझ रहे ना वो अहंकार जब ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है तब समझ में आता है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य तो भेमेव समर्पय हे गोविंद आपने मुझे जो सामग्री दी लेने वाले के रूप में आप ही हो मैं आपको दे रहा हूं केवल मेरा निमित्त बनना है दे तो आप और रहीमदास जी एक बार कुछ भेंट बांट रहे थे तो ऐसे बांट रहे थे ऐसे तो लोगों ने कहा नेत्र क्यों नीचे की हो उन तो रहीमदास जी ने कहा देहार कोई और है देत रहत दिन रह लोग मो पे करे भरमोपे नीचे तान देने वाला तो कोई और जो रात दिन सबको देता रहता है लोग कह रहे हैं रहीम दास जी बांट रहे हैं इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं कि ये जान नहीं पा रहे कि देने वाला कोई और अहम रहित वृत्ति अपना सम्मान प्रकाश नहीं चाहती वो तो ऐसा कि धरोहर के रूप में त्वियम वस्तु त्वियम वस्तु आपके द्वारा दे वस्तु गोविंद आपको समर्पित है इसमें तो मैं निमित्त मात्र हूं दूसरा क्या था सेवा में निस्वार्थ भाव था सेवा, था सेवा में निस्वार्थ भाव तब होता है जब भगवत भाव सामने वाले में होता है जैसे हम अपने बच्चे को पवाए अपने बेटे को बढ़िया नहला धुला कर खवा पिया करके तो उससे आपसे पूछा जाए कि आपका क्या फल इसका चाहोगे तो कहोगे पागल हो क्या फल चाहा जाता है दूसरों को खवा के ये तो मेरा बेटा है बेटे को पवाने में क्या फल पुण्य? समझ हमारी जब हम सब में अपना भगवत भाव करेंगे तो अपने प्यारे को पवा रहे फिर हमको उसमें दान पुण्य का क्या भाव रहेगा हमारा निस्वार्थ भाव आ जाएगा ना जैसे हम अपने पिता को पवाएं अपने पुत्र को पवाएं अपने रिश्तेदार को पवाएं अपने दमाद को पवाएं तो हमारी कोई कामना लगती है क्या क्योंकि हमारा वो रिश्तेदार है ऐसे हम किसी की सेवा जब करें तो भगवत भाव से करें शो अनन्न्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत अब सकामता नहीं रह जाएगी अब निष्कामता आ जाएगी सर्वत्र भगवत भाव प्रिय भाव अपने प्रीतम का भाव तो कामना नहीं रह जाएगी और अहंकार नष्ट हो जाए तो ये दान पुण्य के प्रकाश की बात नहीं रहेगी दोनों बातें समझ जाएंगी नाम जब करते हुए भगवान का आश्रय लो तो वही सब संभाल देंगे सिद्धि जी मुंबई से राधावल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी यदि हरि और हर एक ही हैं तो क्या तुलसी जी की माला और रुद्राक्ष साथ में धारण कर सकते हैं कर सकते हैं रुचि है बिल्कुल रुचि बिल्कुल एक है बिल्कुल किंचन मात्र भी अंतर नहीं है वो तो उनको स्वांग करना है ना तो सृष्टि के रचने का स्वांग किया तो ब्रह्मा जी के रूप में ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए हरि के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी तो भगवान श्री हरि ही तो बने और भगवान श्री ब्रह्मा जी के भ्रकुट से रुद्र का अवतार भागवत के अनुसार होता है वही हरि हैं वही हर हैं वही ब्रह्मा हैं और सही पूछो तो वही चराचर जगत है मत्ता परतरम नान्यत किंचित दस्त दलित जय उनके सिवा कोई है नहीं बस तो हमारे नेत्र पहचान ले तो हम तो कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करो तुलसी धारण करो जो मनावे सो किसी तरह भगवान से जुड़ो पहले अपने मन को भगवान से जोड़ो गले में तुलसी पड़ी है रुद्राक्ष पड़ा है और मन विषयों में है तो बात नहीं बनेगी और कुछ नहीं पहने और मन में आपके राम कृष्ण हरी चल रहा बहुत बढ़िया बात है हमारी बात समझना बहुत ढेर सारे माला पहने हैं और गंदे आचरण गंदा चिंतन मनमानी आचरण तो बात नहीं बनेगी और आप बिल्कुल बाहर से कुछ नहीं और अंदर से नाम चल रहा बड़े अच्छे तो आप भगवान के लाडले हो जाएंगे भगवान आप पर विशेष कृपा करें भगवान ने गीता जी में चिंतन पर पूरा जोर दिया है अनन्याश्चिंत तो माम अनन्य चेता चिंतन तुम्हारा ठीक चल रहा है तो सब ठीक है और चिंतन बिगड़ा हुआ है तो बाहर से कुछ भी हो भगवान मात तो नहीं रखते देखो भगवान तो सबके मन की जानते हैं ना तो भगवान जान रहे हैं ना कि से माया चाहिए हम नहीं चाहिए कभी भगवान कृपा पाने आप गृहस्थी में हो वो अंदर से आपके हे भगवान आपके द्वारा दी हुई इस गृहस्थी रूपी सेवा में मैं हूँ नाथ मेरे से तो उतना भजन बनी नहीं सकता जितना संत महात्मा जन भजन करते हैं। हे नाथ कभी हम पर विशेष प्यार भगवान का आपके ऊपर होगा ये बात समझ ला भगवान अंदर की बात देखते बाहर की बात नहीं देखते अंदर जितना प्यार भगवान के प्रति है वो कोई भी हो भगवान उसको बहुत बहुत प्यार करते हैं तो अंदर से प्रीति करो आपका मन है रुद्राक्ष पहन लो आपका मन है तुलसी पहन लो आपका मन है ना पहनो हमारी खास बात इससे नहीं हमारी खास बात है तुम्हारा मन तुम्हारा चित्त तुम्हारे आचरण पवित्र हो और मन भगवान में लगाओ बढ़िया बात है ये बढ़िया बात है अब इतनी मालाएं हम पहन लें कि भाई सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए अमुक माला देवी को प्रसन्न करने के लिए चंदन की माला उनको प्रसन्न करने के लिए अमुक ढेर सारी मालाएं पहन लें और मनमानी आचरण करें तो मालाओं से थोड़ी बात बन जाएगी बात बनेगी अंदर के चिंतन से अंदर का चिंतन है तो सब बात बनी हम कह रहे पहनो पर अंदर का चिंतन भी सुधारो और अंदर का चिंतन न सुधरे बाहर से तो दिखावा नहीं हो जाएगा दिखावा हो जाएगा हाँ उसी को दम्ब कहते कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ भेस और है और आचरण कुछ और है तो सब तीनों चीजें अलग अलग है जिसका मन एक वाणी एक और आचरण एक वही सच्चा है जो मन में है वही वाणी में वही आचरण में वही सच्चा जिसकी वाणी में कुछ और मन में कुछ और आचरण में कुछ और वही दम भी वही पाखंडी इसी को तो कहते हैं तो इसलिए पहनू बढ़िया है भगवत स्वरूप है तुलसी जी भी और भगवत स्वरूप है रुद्राक्ष भी पर हम भगवान की आज्ञा के अनुसार चलें अच्छे आचरण करें तो उन माला का महत्व तो है माला पहने हुए मनमानी कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है ये भी ध्यान रखें कि फिर माला की अपमान वृत्ति का भी अपराध लगता है बोले तो यार शर्म नहीं आती कंठी हो रुद्राक्ष हो क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो क्या बोल रहे हो कहाँ खड़े हो क्या ये चीज़ ध्यान रखो कि बिल्ला लगा करके फिर उसकी मर्यादा का भी पालन करना चाहिए नहीं, नहीं तो मान लो कंठी तिलक पहने हो ऐसे मनमानी खान पान और आचरण बोले देख लो कंठी पहने हैं और क्या खा रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं कहाँ खड़े है उसकी मर्यादा भी रखो जी दीपक कुमार जी राधे राधे श्री कृष्ण मर जी राधे राधे आपके चरणों में कोटी कोटी मर जी हमारे सबके अंदर भगवान मौजूद है तो भगवान जी हमें ये बुरे कर्म करने से क्यों नहीं रोकते क्योंकि भगवान साक्षी मात्र है तुम्हें छूट दे देगी जैसे तुम्हारे पिता तुम्हें पाँच सौ रुपये दे दिए और तुम्हें भेजा जाओ बाजार है अब तुम पाँच सौ की दारू पी करके के नाली में गिरे पड़े मिलोगे तो पिता ने तो नहीं कहा था पिता ने पाँच सौ रुपये दिए थे कि तुम्हें उचित खर्चा करना है अब इसके बाद तुम्हारे थप्पड़ चलेंगे जब लौट के जाओगे दोबारा पाँच सौ रुपया नहीं मिलेंगे ऐसे ही तुम्हें मानव देह मिली और भगवान ने तुम्हें अपना पावर दे दिया देखने सुनने बोलने ये सब भगवत पावर भगवत शक्ति से आप चल रहे हैं अब इसका प्रयोग कहाँ करते हो गंदी बातें देखते हो गंदा आचरण करते हो गंदे खान पान को करते हो ये तुम्हारे ऊपर छूट है इस बात में मनुष्य की स्वतंत्रता है वो बुरा कर सकता है या अच्छा कर सकता है इसके लिए छूट है परिणाम तुम्हें मिलेगा जैसे खेती दे दी बीज दे दिया और विविध प्रकार के बीज दे दिए अब उसमें तुम बोते क्या हो बंबूल बोते हो गन्ना बोते हो दाक बोते हो तुम्हारी ऊपर छूट है यही मनुष्य योनि की महत्ता है कि तुम्हें ऊपर छूट है आप तुम बुरा से बुरा कर्म कर सकते हो अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो बुरा कर्म के नर्क आदि दुर्गति को प्राप्त हो गया अच्छा कर्म करके स्वर्ग आदि या भगवत प्राप्ति करो ये छूट है इसलिए भगवान नहीं रोकते ये तो हमने सिद्धांत बताया अब दूसरी भाव की बात बता रहे भगवान सबको रोकते हैं बेईमानी मत करना हमें ईमानदारी से बताना जब तुम बुरा करना चाहते हो या चलते हो तो, तो तुम्हारे अंदर आवाज आती है कि नहीं कि गलत है सच्ची बताना सबके हृदय में आती है तो आपने उस भगवान की बात को कहाँ माना भगवान बुरा करने से रोकते हैं सबको रोकते हैं ए गलत है मत करना फंस जाओगे लेकिन नहीं जीव बात बहुत धीमी आवाज होती है आपको कभी सुनाई दी वो धीमी आवाज़ होती है भगवान अगर वो बात मान लो तो ठीक हो जाएगा लेकिन जीव मन फिर वो तो बस यही तो छूट है यही तो खेल का खिलाड़ी है मन और पांच ज्ञान इंद्रिया के चक्करों मना खष्टा भगवान खुद बोल रहे जी में जीवलोके जीव भूता सनातन मना खष्टानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती भोगों की तरफ प्रकृति की तरफ माया की तरफ आकर्षित होकर वो पापाचरण कर लेता है फिर उसका दंड भोगता है जीव उसी को भोगना पड़ता है इसीलिए सावधान होकर के चलो गलत करोगे तो भाई पिटना पड़ेगा अच्छे करोगे तो प्रशंसा होगी आपका नाम होगा आपको धन्यवाद मिलेगा और नहीं तो फिर धिक्कार मिलेगा और नरक आदि और जेल आदि काटना पड़ेगा तो ये छूट दिए भगवान ने कि तुम जो चाहो अच्छा करो या बुरा करो ये तुम्हारे ऊपर छूट है और समझाने के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान समझाते नो भगवान समझाते हैं किसी न किसी रूप में भगवान समझाते हैं पक्का ऐसा नहीं कि तुम गलत करने जा रहे हो तुम्हें समझाए ना भगवान अंदर से भी समझाते हो बाहर से भी समझाते हैं किसी न किसी दोस्त के किसी न किसी के दिमाग में कि यार भाई तुम गलत रास्ता क्यों चयन कर रहे हो यार सही ढंग से चलो वो भगवान ही तो आपको प्रेरित कर रहे हैं भगवान सबको सावधान कर देते हैं अंदर से आता है ये फंस जाओगे बहुत गलत है बहुत बुरा होगा और जब फंस गए तो बोले यार हमारे अंदर आया था कि फंस जाओगे पर हम फंस गए वो तो बुरा फंस गए भगवान तो बिल्कुल ऐसे समझो साक्षी पिता की तरह है तुम्हें ये जीवन दे दिया कर्म भूमि दे दी अब जो चाहो करो परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भोगना पड़ेगा बुरे कर्म करोगे तो बुरा भोगना पड़ेगा और बुरे कर्म कर डालो अगर हो भी गया और भगवान के शरण में हो गए तो वो बचा लेंगे हम आम तो हम पापे भ्यो मोक्ष शिष्या में माँ सोचा एक उपाय जैसे वकालत भी पक्की हो गई और न्यायाधीश ने निर्णय भी पक्का कर दिया कि तुम्हें फांसी की सजा तो भी एक पॉइंट अभी बकाया है राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर लो तो वो बचा सकते तो अखिल ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है श्री हरि हैं तो उनसे प्रार्थना करो वो सारे पाप नष्ट करके आज भी मंगल कर देंगे पर नाम जप करो और आगे पाप ना करो जो पीछे हो गए उनका प्रयासचित भगवान के नाम जब से भगवान के भजन से हो जाएगा समझ पा रहे आप शौर्य अजमेर राजस्थान से राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारा भाग्य तो पैदा होने के साथ ही तय होता है तो फिर कर्म का सिद्धांत हम पर कैसे लागू होगा क्या कर्म हमारे भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं मनुष्योनि में यही किसका प्रश्न है मनुष्योनि में यही महानता यही विशेषता है जो कहा गया दुर्लभ हो मानुष्यो देहो इसकी दुर्लभता यही है कि जैसे पशु अपने भाग्य को नहीं बदल सकता उसको भोगना ही पड़ेगा और वो नया कर्म नहीं कर सकता केवल एक योनि है मनुष्य योनि चौरासी लाख योनियों में तिरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे योनिया वो नए कर्म करके अपने भाग्य को नहीं बदल सकते लेकिन मनुष्यों में नए कर्म करके भाग्य बदलने के विधान रखा गया है इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नजे परलोक संभारा हम अपने अच्छे और बुरे दो मिश्रित प्रारब्ध कर्म से बना हुआ शरीर है इसको हमें भोगना पड़ेगा जैसे लिखा है कि आपको पंद्रह वर्ष की आयु में ऐसा होगा बीस वर्ष की आयु में ये होगा तीस वर्ष की आयु वो होगा आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें उससे कोई मतलब नहीं पहले से निश्चित हो चुका है जैसे इसका पैंतीस वर्ष की आयु में माता के गर्भ से ही किडनी का वंशानुगत रोग था और वो प्रकाशित हुआ उसका भजन से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये शरीर पहले से रच गया है इसका प्रारब्ध रच गया है अब इस शरीर के भोग को परास्त करते हुए भगवान की प्राप्ति या कर्मों को मिटाकर अच्छे सुखों को प्राप्त करना यह हमारे नए कर्म का फल है तो हम अब भजन के प्रताप से अब हमारा जो अगला आएगा एक तो जन्म नहीं होगा अगर जन्म होगा तो ऐसा होगा कि जैसा है ऐसा नहीं होगा अब शरीर ऐसा होगा कि दिव्य होगा और भगवान के नाम गुण लीला का प्रचार प्रसार करने वाला होगा अगर होगा नहीं तो फिर नहीं होगा भगवान के धाम क्योंकि नई खेती बहुत बढ़िया है बचपन से और अभी तक जो बोया गया है उसकी फसल बहुत जोर की है ये पुरानी फसल आके सड़ियल हमको गिराना चाहती थी तो हमें गिरा नहीं पाई क्योंकि अठारह वर्ष हो गए सब कष्ट है लेकिन हमारी दिनचर्या चल रही है हमारा भजन चल रहा है हमारा साधन चल रहा है तो अगर हम केवल प्रारब्ध भोगते तो सड़ते होते ना तो ये नवीन जो कर्म है ये हमारे पूर्व प्रारब्ध को दबा दिया आया था प्रारब्ध मुझे नष्ट करने और नवीन कर्म ने उसको दबा दिया और दोनों साथ ही चल रहे हैं। घुटने टेके दबा हुआ वो चल रहा है कभी वो हमको दबाना चाहता है कभी हम उसको दबाना चाहते हो हमारी यात्रा पहुंच रही जैसे कबड्डी के खेल वाले में विपक्ष दबा देना तो कबड्डी 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 और पाली तक पहुंचना है तो पाली तक राधा 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 और आखिरी पाली राधा पहुंच गए श्री जी के पास तो हमारा नया कर्म अगर जोरदार का है तो हमारे पुराने कर्म को दबा देगा नष्ट नहीं कर सकता पुराने कर्म को दबा करके और हमें आगे बढ़ा देगा भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ा देगा या सफलता के जिस मार्ग के आप पथिक हैं सफलता मिलेगी तो भगवान के नाम से भगवान के आश्रय से मिलेगी और मनुष्य जन्म में हमें यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम जो चाहें बन सकते हैं हम भूत बन सकते हैं हम नाली के कीड़ा बन सकते हैं हम भगवान का भजन करके देवता भगवत स्वरूप बन सकते हैं जो चाहो बन सकते हो छूट है पर गलत आचरण करके तो अच्छा नहीं बना जा सकता अच्छे आचरण अच्छा खाना पीना अच्छा आचरण दूसरों को सुख प्रदान करना और भगवान का नाम जप करना फिर इससे उन्नति हो सकती है आप समझ पाए बच्चा राधा राधा राधा